अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सीएस 101 का जीटीपी सॉल्व करेंगे, जिसकी अनाउंसमेंट एलएमएस में आ गई है। लेकिन आपका ये क्वेश्चन जो अभी अपलोड हो गया लेकिन ओपन नहीं हुआ, जो 1 सितंबर को ओपन होगा 2 सितंबर तक ओपन रहेगा, यानी कि आपके पास 24 आवर्स होंगे। और इसकी जो मेन इंस्ट्रक्शन है वो आपने पढ़ लेनी है। आपकी जो मेन इंस्ट्रक्शन जो मोस्टली होती है वर्ड फाइल में होनी चाहिए, और आपका जो साइज है 12 होना चाहिए, और जो स्टाइल है न्यू रोमन यूज करना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कहीं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियो यानी कि असाइनमेंट वगैरह जीटीपी जैसे ही अपलोड हो आपके तो आपको फौरन पर फौरन मिल जाए। को चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सपोज यू हैव बीन हायर एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन अ टीम। सपोज करना कि हमें हायर किया है सॉफ्टवेयर डेवलपर टीम ने, दैट वर्क ऑन द मैनेजमेंट सिस्टम, जो वर्क करती है मैनेजमेंट सिस्टम में फॉर अ हॉस्पिटल का, ठीक है, हॉस्पिटल के मैनेजमेंट सिस्टम में वर्क करती है, और हमें एज अ हायर किया सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए। द हॉस्पिटल हैज मल्टीपल ब्रांचेस, हॉस्पिटल की बहुत ज्यादा मल्टीपल ब्रांचेस है इन अ वेरियस सिटी, मुख्तलिफ शहरों में। द सिस्टम नीड टू हैंडल अ लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट, जो सिस्टम है वो हैंडल करता है लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट, बहुत ज्यादा पेशेंट को हैंडल करता है डेली बेसिस में। मोर एवर देर इज नो हार्डवेयर एंड नो इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेशन, कोई लिमिटेशन नहीं, एंड डेवलपिंग दिस सिस्टम, इस सिस्टम को डेवलप करने के लिए कोई आपके पास यह लिमिटेशन नहीं है, कोई लिमिट्स नहीं है। गिवन द सर्कमस्टेंसेस यू हैव टू राइट एल्गोरिथम टू एफिशिएंटली सर्च एंड सॉर्ट आउट द रिकॉर्ड, हमने एक ऐसा फंक्शन लिखना है जो एफिशिएंटली सर्च कर सके एंड सॉर्ट द रिकॉर्ड कर सके। जो एफिशिएंटली सर्च मतलब कोई भी डेटा हमें चाहिए, सर्च करो और उस डेटे के अंदर क्या कहते हैं एक सॉर्ट भी डेटा आराम से हो जाए। फॉर दिस पर्पज यू हैव द टू मेजर डिजाइन टू राइट एल्गोरिथम एज अदर अप्लाई इंटरेक्टिव स्ट्रक्चर एंड नॉट कोऑपरेटिव रिकर्सिव, दो मेथड हमें दिए हुए हैं, वो दिए हुए हैं जी हमें उन्होंने पहले के रिकर्सिव एंड लूप दिया हुआ है। इन दोनों में से जो हमारा ऊपर अबव सिनेरियो है उसके लिहाज से बताना है कि रिकर्सिव ठीक है या लूप ठीक है। उसके बाद लिखा है सपोर्ट योर आंसर विद द सुटेबल रीजन, यू विल शुड नॉट बी मोर देन 6, आपने आंसर को सपोर्ट भी करना है लॉजिकल रीजन से, और आपका आंसर 6 या 8 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो पहले हम देखते हैं रिकर्सिव क्या होता है, जहाँ एक फंक्शन आपको खुद अपने एक फंक्शन जो है अपने आप को खुद रिकॉल करे वो हमारा रिकर्सिव होता है। फॉर एग्जाम्पल आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है, और आपकी मामा कहती हैं कि बेटा मुझे एक गिलास पानी का पिला दे, तो आप क्या करती हैं अपनी मैम से परमिशन लेते हैं कि मैम मुझे 2 मिनट दें, मैं अपनी मामा को एक गिलास पानी का देकर आता हूँ। इसका मतलब है आपने कॉल बंद नहीं की लेकिन आपने मामा को पानी देकर आए, यानी कि अपने उस कॉल के दौरान आपने कोर फंक्शन किया, वो फंक्शन क्या था, मामा को पानी देना, वो हमारा क्या है रिकर्सिव। और लूप हमारा ये होता है, अब आपकी ऑनलाइन क्लास चल रही है और आपके साथ ही दूसरी ऑनलाइन क्लास का टाइम होता है, तो आप क्या करते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस एक पहली को बंद करते हैं और दूसरी को ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपने क्या पहले एक को बंद किया फिर दूसरा स्टार्ट किया, यानी कि एक इंस्ट्रक्शन आपने फंक्शन किया वो बंद हो चुका फिर दूसरी फंक्शन किया, तो वो हमारे पास क्या है लूप। अब हम चलते हैं ये रिकर्सिव बेहतर है या लूप, मेरे हाल से रिकर्सिव बेहतर है क्योंकि रिकर्सिव जो है एक फंक्शन के अंदर हम मतलब दूसरे फंक्शन तक जा सकते हैं, तो ये हमारा क्या है रिकर्सिव बेहतर, क्योंकि यहाँ मल्टीपल जो डेटा है वो यूज हो रहा है। रिकर्सिव विल वर्क वेल दिस टाइप ऑफ डेटा बिकॉज यू कैन एक्सेस अ डेटा इन अ मल्टीपल ब्रांच इन द सेम टाइम। हम क्या कर सकते हैं रिकर्सिव में क्या करते हैं कि हम एक मतलब एक क्लिक से पूरे मल्टीपल डेटा को हैंडल कर सकते हैं, कोई भी डेटा चाहिए होगा उसको फटाफट सॉर्ट कर सकते हैं, एफिशिएंटली हमें डेटा मिल सकता है इतना सेम टाइम पे। ये नहीं कि हमें लूप की तरह के करना चाहिए, पहले एक ब्रांचेस का डेटा मिला ठीक है उसमें चेक किया, उसमें नहीं मिला तो फिर दूसरा ओपन किया, फिर दूसरा नहीं मिला फिर उसको बंद किया, फिर तीसरा ओपन किया, नहीं वो लूप में ऐसा होता है। तो लूप में तो हमें ऐसे करना है इसमें हमारा बटन काम का ज्यादा हो जाएगा। तो रिकर्सिव में क्या होगा कि हम एक ही जगह पे बैठकर ऐसा सिस्टम लिखेंगे कि हम कोई भी चीज सर्च करेंगे वो 5 ब्रांचेस यानी 5 ब्रांचेस होंगे, जितनी भी ब्रांचेस हैं ब्रांचेस के अंदर जो डेटा जिस जिस के पेशेंट का अवेलेबल होगा एक पेशेंट का, वो सारा सॉर्ट आउट होकर हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है जी स्टैक इज यूज टू स्टोर अ सेट ऑफ डेटा, रिकर्सिव कैन यूज इजीली एंड सॉल्व आर रिकर्सिव सॉल्यूशन इज मोर एफिशिएंट देन द लूप। जो रिकर्सिव डेटा होता है वो स्टैक यूज करता है, मतलब जैसे मैंने आपको बताया बीच में से वो यूज कर रहा है, ठीक है, अपने अंदर एक और
फंक्शन को रिकॉल करता जा रहा है, अपने ही फंक्शन को बार बार रिकॉल कर रहा है, तो वो हमारे पास टैग, इससे भी जैसे कि फोल्डर के अंदर सब फोल्डर, उस फोल्डर के अंदर सब फोल्डर, तो वो एक टैग यूज कर रहा है, लेकिन रिकर्जन यूज कर, लेकिन लूप जो है वो नहीं यूज करता है, ठीक है, वो स्टैक नहीं यूज करते हैं। सोल्व आर रिकर्जन प्रॉब्लम सोल्यूशन, जितने भी रिकर्जन सोल्यूशन होंगे वो सोल्व करेगा, और ये बहुत एफिशिएंटली है देन लूप। उसके बाद है साइज द कोड लो एंड नॉट कम्प्लेक्स। आप देखें हम जो फंक्शन लिखेंगे, जो लूप का जो साइज होता है फंक्शन का, वो बहुत हाई लेवल का होता है, उसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कम्प्लेक्स होता है, लेकिन जो रिकर्सिव है उसका कोड भी लो होता है और इजी होता है, जो इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है। रिकर्जन इज मोर पावरफुल बिकॉज रीडेबल कैपेसिटी एंड स्पेस इज अ हाई एंड देन लूप। रिकर्जन में क्या होता है कि हमारे पास ज्यादा पावरफुल है देन लूप की, क्योंकि इसके पास रीडेबल कैपेसिटी ज्यादा है और स्पेस भी ज्यादा है कि डेटा स्टोर करने के। जैसे मैंने बताया कि हमें लार्ज नंबर ऑफ डेटा है, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन हम पेशेंट का डेटा रिकॉर्ड करते हैं, तो इसके लिए हमें सिस्टम भी बड़ा चाहिए जो वो लूप सपोर्ट नहीं करता, लूप जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा, इसलिए रिकर्जन सपोर्ट कर रहा था, रिकर्जन इसके लिए बेस्ट है। एक ये आप ये भी लिख सकते हैं, इसके अलावा भी अगर आप कुछ को आपको बेहतर लगता है इसके लिए लिखने के लिए, तो आप वो भी लिख सकते हैं अपने माइंड से। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।